हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभी के गुरु जी के अंदर। आज हम आपको नए करंट जी के क्वेश्चंस बताएंगे। सबसे पहले मोटिवेशन ये आता है कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर होता है दोस्तों। अगर आपने मान लिया तो हार है, और ठान लिया तो जीत है दोस्तों। ये आपको याद रखना, ये सब आपके ऊपर मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है, वही बात है दोस्तों। तो आप लोग सभी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आता है कि दोस्तों 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया दोस्तों, बताइएगा। रोहित सिंगांग, झाक, मीना अलमजिक और मिंग गु और पीटर हिन। दोस्तों ये सब यूएसए नाम है, आप लोग जानते हो, विदेशी नाम है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो रहेगा ए रहेगा। और उन्होंने क्यों मिला, किस लिए मिला दोस्तों, तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले कैलिफोर्निया जो है विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर रुई जियांग को गणित में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2023 का जो है वो रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी याद रखना है दोस्तों आपको। और $10,000 अमेरिकन का वार्षिक नगद पुरस्कार भी मिला है गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के गृह नगर में कुंभकोण में शास्त्र विश्वविद्यालय में 20 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के दौरान में विद्वान एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रदान किया जाएगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इन्होंने मैथ के लिए बहुत ही संघर्ष किया जीवन के अंदर, तब इनको एक नया पुरस्कार मिला है रामानुजन, ये आपको याद रखना है यहाँ तक दोस्तों। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, आपको याद रखना है कि 22 सितंबर को तमिलनाडु के अंदर ही परिषद में शास्त्र विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था याद। और उसके बाद में दुनिया भर में 32 वर्ष से भी अधिक या कम गणितज्ञ को प्रदान किया जाता है, ध्यान रखना है आप लोगों को। और 32 साल की उम्र तक ही आपको मिल सकता है, और नगद पुरस्कार जो वो $10,000 तक डॉलर मिल सकता है, ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद में ये है, चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आप लोग सभी जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कीजिएगा। और जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए ये यूज़फुल है, क्योंकि करंट जी के सब एग्जाम के अंदर आता है, ये आप लोग सब जानते हो। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो चीन रहेगा, याद रखना आपको। चीन के हाल ही में परीक्षण में कुफियान प्रांत के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए एक सी क्रॉस सी बुलेट ट्रेन की शुरुआत की, जिसकी चलने की जो स्पीड है वो 350 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। यह चीन की सबसे बड़ी हाई स्पीड लाइन लॉन्च की गई है, दक्षिण प्रांत कुफियान तहसील के अंदर है। और यह क्रॉस सी बुलेट ट्रेन की स्पीड रैपिड लाइन के नाम से जानी जाती है, 350 किलोमीटर यानी 218 मील प्रति घंटा की दर से ये चलती है। और ये आप लोग सब जानते हो कि चीन जो है वो 96 लाख वर्ग किलोमीटर का है, यानी भूमि में वो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे तीसरा बड़ा देश है। और उसके बाद में इसकी राजधानी है वो बीजिंग है, बीजिंग सबसे बड़ा शहर में आता है, सारे दिन जनसंख्या वाला नहर और वित्तीय केंद्र है, याद रखना वो। ये देखिएगा चीन की एक छोटी सी इमारत की आपके सामने फोटो दर्शाई गई है, बहुत बड़ा है चीन। और चीन ने एक आर्टिफिशियल सन का जो है आविष्कार किया है, ये भी आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि किस देश के द्वारा आर्टिफिशियल चीन का आविष्कार किया गया। आगे आगे देखना क्वेश्चन, यशविनी किस संस्था की बाइकर्स का एक समूह है, भारतीय नौसेना, CRF, CISF और भारत सेना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो CRF रहेगा, याद रखना वो। मुख्यमंत्री कोनराड संगमन ने शिलोंग के CRPF महिला के बाद एक समूह यशस्विनी के नाम से क्रॉस एंट्री हरी झंडी दिखा दी, याद रखना। और ये जो CRF है आप लोग महिला बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से देश की शक्ति वजह से मनाने के लिए बाइक रैली का आयोजन किया, याद रखना, ठीक है। ये इसके बारे में बताया गया है। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये 1939 को क्राउन प्रेसिडेंस पुलिस के रूप में अस्तित्व में आई थी, अभी तक इसके 84 साल पूरे हो गए हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली के अंदर हम चलते हैं। साई निवास गृह मंत्रालय जो है वो रिजर्व बैंक पुलिस का है, याद। और इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है। और जिम्मेदार जो इनके मंत्री साहब है वो है गृह मंत्री अमित शाह है। और अब आपके सामने इनके बारे में दर्शाया गया है कि इस प्रकार से सेना की टुकड़ी ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया है। आज का क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, भारत में कानून मंत्री कौन था, जो मैंने आपको बताया है अर्जुन राम मेघवाल जी है। और अभी क्वेश्चन आपके सामने आता है कि किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के पर्ल ऑफ द सिल्क रोड के नाम से दिया है दोस्तों। कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जितने भी कंपटीशन में क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।